तो गैस काफी दिनों के बाद मैं आज मिनी ब्लॉग बना रहा हूँ। आज मेरे घर पे बन रही है वासेटी की भाजी, जो कि बहुत ही मस्त लगती है और ये बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, 600 रुपए किलो होती है और ये सबको बहुत पसंद है हमारे घर में, तो आज बन रही है। इसके साथ बनेंगे रोटला भी, और ये आंटी ने बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये लहसुन डाल दिया है और यहाँ पे मम्मी भाखरी बना रहे, और हमारे घर पे फई और मिहिर भाई भी आए हैं। मम्मी भाखरी और रोटला दोनों बनाने वाले हैं। ये देखो अच्छे से लहसुन पक गया, और इसके बाद ये डाल रहे वासेटी की भाजी। इसको बस ऐसे ही थोड़ी देर हिलाना है और पकने देना है। इसमें और तो क्या क्या आएगा अभी रुको दिखाता हूँ मैं। ये सबसे पहले एक चम्मच हल्दी डाल देनी है, और ये रेड चिली पाउडर भी डाल देना है। इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे, और ये हमारी वासेटी की भाजी जो है वो रेडी। अब मम्मी बनाएंगे रोटला। ये देखो मम्मी की मस्त स्टाइल है रोटला बनाने की। किस किस को रोटला पसंद है वो कमेंट में बताना, और कौन क्या खाता है ये वासेटी की भाजी के साथ, भाखरी या रोटला या रोटी, क्या खाते हो जरूर बताना। ये हमारा रोटला भी रेडी, और बहुत ही मजा आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।